अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा राज किचन एंड व्लॉग से, और आज हम आपके साथ एक सिंपल रेसिपी ले गए हैं जो ईद स्पेशल है, दही फुल्कियाँ। तो ये मीठी बनती हैं, इसमें अगर चाट मसाला वगैरह डालना चाहिए मसाला, ये तो आप पर डिपेंड करता है। ये तो मैंने सिंपल बनाई हुई हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और लाइक कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दही फुल्की बनाना ईद स्पेशल। तो देखिए, फुल्की बनाने के लिए हमको एक कटोरी बेसन लेना है। ये बेसन है, तो इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा डालेंगे ताकि वो फुल्कियाँ सॉफ्ट बने। तो फिर डालते हैं, ये मीठी दही फुल्कियाँ बन रही है, तो इसमें जो है नमक हल्का डाला जाएगा क्योंकि ये सिंपल और सादी बनती हैं, तो बस ज़्यादा नहीं डालना है, दो चुटकी नमक आप डाल दीजिए। सोडा इसलिए डालेंगे ताकि फुल्कियाँ सॉफ्ट रहें, तो इसमें दो चुटकी सोडा डालेंगे। अब इसको एक सॉफ्ट मतलब कि एक लिक्विड पेस्ट बना लेंगे, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए ताकि पकौड़ियाँ अच्छे से बन सके। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप पेस्ट बना लीजिए जितना ज़रूरत हो, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, इस तरह से बेसन फिटा हुआ होना चाहिए। अब इसको 10 से 15 मिनट तक रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से छोटी छोटी फुल्कियाँ बना लेंगे, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इनको गुनगुने पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, इसको पानी में भिगो दिया, ये गुनगुना पानी है। अब इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक भीगने देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये दही ले लिया है, ये 250 ग्राम दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, हल्का सा पानी मिक्स किया है। इसमें 2 चम्मच शुगर डालेंगे ताकि ये अच्छे से मीठ हो जाए, क्योंकि दही मीठी दही फुल्की है, तो इसमें 2 चम्मच शुगर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, दही फुल्कियाँ फूल चुकी हैं, जैसे इसको पानी में डाल के भिगो लिया था, हम इसको निकाल लिए। तो इसको अच्छे से उसका पानी निकाल के इसमें डाल देंगे इस टाइप से, दबा दबा के हल्के हाथों से, और दही में शामिल करते जाएंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको अच्छे से खट्टी और कड़वी चटनी से गार्निश करेंगे। ये एक बाउल ले लिया है, जैसे कि गेस्ट आए हैं तो उनके लिए कैसे इसको वो करेंगे। तो ये ईद स्पेशल दही फुल्कियाँ हैं, तो इसको फिर डिश आउट करते हैं। तो इतने से छोटे से बाउल में 2 हैं जो बड़ी बड़ी हैं दही फुल्कियाँ, इनको मैंने निकाल लिया है इसमें। अब इसको गार्निश कर लेते हैं। अब इसमें गुड़ की चटनी, गुड़ और इमली की चटनी डाली जाएगी। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो इसका लिंक भी अगर जिसको चाहिए वो बता देगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इमली की चटनी हो गई, ऊपर से होगा ग्रीन चटनी, इसकी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है। थोड़े से अनार दाने डालेंगे ताकि देखने में खूबसूरत भी लगे, और ईद है तो स्पेशली कुछ अलग होना चाहिए। तो ये अनारदाने, थोड़ी सी भुजिया, और ये देखिए तैयार है हमारी रेसिपी। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।